हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आप ब्लॉगर पर पोस्ट आर्टिकल को लिख सकते हो। साथ में जो भी सेटिंग होगा ए टू जेड सेटिंग आपको मैं ब्लॉगर के बारे में आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। दोस्तों अभी काफ़ी लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन ब्लॉगर के बारे में नहीं पता है, मैं उसको बता दूँ। अगर आप भी वेबसाइट बनाकर पैसा कमाना चाहते हो तो किस प्रकार से कमा सकते हो दोस्तों, वो ब्लॉगर से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो ब्लॉगर से, ठीक है। लेकिन कैसे क्या करना होगा, किस प्रकार से वेबसाइट बनाएंगे, किस प्रकार से हम आर्टिकल लिखेंगे, वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको मैं बता दूंगा। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपना जो क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन है उसको यहाँ से ओपन कर लेना है। फिर दोस्तों यहाँ से आपको सर्च करना है blogger.com, इतना आपको सर्च कर लेना है blogger.com, ठीक है। इतना दोस्तों जैसे सर्च करते हो सबसे पहले कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपने वेबसाइट नहीं बनाई, सबसे पहले यहाँ से आप वेबसाइट नॉर्मल सी वेबसाइट बना सकते हो, लेकिन दोस्तों इसके अंदर कोडिंग वगैरह करनी पड़ेगी। इसके लिए अगर आप प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर, तो मैं आपको वेबसाइट बनाकर दे दूँगा। पेड वेबसाइट बनाने का मैं काम करता हूँ, ठीक है। तो सिंपल सा ऊपर से आपको साइन इन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपल सा साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों जैसे साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जो भी आपके जिस आईडी पर जिस जीमेल अकाउंट पर आपको जो वेबसाइट बनी है, सिंपल सा उस वेबसाइट को यहाँ से लॉगिन कर देना, ठीक है। यहाँ से मेरा जो वेबसाइट है कुछ इस प्रकार से, मैंने 34 आर्टिकल लिखा हुआ और वेबसाइट कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगी, मेरी वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर आपको कैसे लॉगिन करना है मैंने आपको वो अच्छे से बता दिया, ठीक है। यहाँ से मेरा जो भी आर्टिकल वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब आपको यहाँ से पोस्ट कैसे कर सकते हो, दोस्तों पोस्ट करने के लिए यहाँ से आपको थ्री लाइन देखने को मिल जाएगी, यहाँ से थ्री लाइन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। थ्री लाइन के ऑप्शन पे दोस्तों जैसे क्लिक करते हो, यहाँ से सिंपल से आपको न्यू पोस्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। और भी दोस्तों नीचे बहुत सारे ऑप्शन मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले इसके बारे में बता दूँ। ऐसे स्टेटस का मतलब कि जो भी आप कितना व्यू आता है मंथली का, लास्ट मंथ का, कल का और आज का व्यू कितना, वो सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से आपको कॉमेंट देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों जैसे आप यहाँ से अर्निंग पर जैसे क्लिक करते हो, तो दोस्तों इसके अंदर आपको ऐसे गूगल एडसेंस आपको इसके अंदर वेरीफाई करना होगा। तो दोस्तों आप जब आप 10 से 15 पोस्ट कर दो उसके बाद जाकर गूगल एडसेंस आप वेरीफाई करना, ताकि आपका जो वेबसाइट है वो मोनेटाइज हो जाए, ठीक है। पेज है, लेआउट है, थीम से, अगर थीम के साथ अगर ये वाली थीम आपको पसंद नहीं है वेबसाइट की, आप थीम भी सेट कर सकती हो, सेटिंग के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले आपको पोस्ट कैसे करना है वो आपको मैं बता दूँ। सबसे पहले न्यू पोस्ट पे क्लिक कर लेना, आपको यहाँ से एक आर्टिकल लिख लेना, जैसा कि अभी यहाँ से कौन सा मैं आपको बता दूँ, मैं अभी आर्टिकल वीडियो बना रहा हूँ यहाँ से ब्लॉगर पर पोस्ट कैसे बने। तो दोस्तों यहाँ से मैंने ब्लॉगर पर पोस्ट कैसे बना वो यहाँ से लिख लिया, ठीक है। यहाँ ये इसका तो टाइटल हो गया, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से इस पर क्लिक कर लेना, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों इसके अंदर क्या करना है, क्या लिखना है मैं आपको बता दूँ। यहाँ से मैं अभी तो मैं इसके अंदर कुछ भी यहाँ से लिख लूँगा, ठीक है, आपके दिखाने के लिए मैं यहाँ से कुछ भी लिख लूँगा। यहाँ से कोई अच्छा से ये वाला मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। ये वाला इसका सबसे पहले यहाँ से आर्टिकल है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कर दिया। और दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे आप कुछ चेंजेस कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ से आपको पेंसिल का आइकन, इसको यहाँ से HTML है यहाँ पर, सबसे पहले इसको ऐसे HTML नहीं है, ठीक है, इसे कॉम्प्रेसिव व्यू है, ठीक है। HTML पर जैसे क्लिक करोगे ये पूरा कोडिंग की तरफ बदल जाएगा, लेकिन इसके अंदर कॉम्प्रेसिव इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से इस पर आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर फिर आपको ऐसे ऐप पर क्लिक कर लेना है। और इसके अंदर दोस्तों बहुत सारे आपको अलग अलग प्रकार के फॉन्ट देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ये वाली फॉन्ट है, मैं इसको फॉन्ट कोई भी यूज़ कर सकता हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ से स्मॉल है, मतलब कि स्मॉल है, इसके अंदर आपको TT मतलब कि इसके अंदर लैंग्वेज जो भाषा है वो यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। यहाँ से छोटा कर सकते हो, इसको बड़ा कर सकते हो, अगर जैसे बड़ा करोगे यहाँ से बड़ा लिखना चाहते हो यहाँ से, तो मैं इसे बड़ा लिखूँगा, ठीक है। यहाँ से बड़ा लिखने के लिए क्या करना है, इसको मैं अभी लिख सकते हो आपके सामने, यहाँ से इस बंदे ने ये देख लो इतना बड़ा हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप इसके अंदर से कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको यहाँ से बहुत सारे यहाँ से 5 से 6 प्रकार के इसके अंदर आपको साइज़ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ से टी के अंदर आपको ऐसे नॉर्मल है, मीडियम में, किस प्रकार से आप रखना चाहते हैं वो इसके अंदर देखने को मिल जाएगी, जो इसका जो लिखते हैं वो आर्टिकल लिखते हैं वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से बी का मतलब है, इसके अंदर बोल्ड कर सकते हो कोई भी, ठीक है। जैसा कि अभी यहाँ से मैं ये बोल्ड करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं बी पर क्लिक कर दूंगा, तो इसे बोल्ड हो जाएगा इस प्रकार से। और इसको ऐसे रोटेट करना, बल्कि थोड़ा सा घुमाना, तो इसको ऐसे इस प्रकार से घुमा भी सकते हो, ठीक है, यहाँ से इस पर क्लिक करके। और यहाँ से यू के अंदर दोस्तों यू का मतलब कि नीचे, अगर दोस्तों किसी भी वर्ड के नीचे आपको यहाँ से अंडरलाइन करनी है, तो यहाँ से आपका यू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसको यूज़ कर सकते हो। और यहाँ से टी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ से कोई भी यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से कुछ इस प्रकार से अगर
कुछ भी लिखना चाहते हो, यहाँ से क्रॉसिंग वगैरह करना चाहे कर सकती हो। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से फॉन्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाए, इसके अंदर कलर का है, कलर इसके अंदर सेलेक्ट करना चाहे कलर अलग अलग प्रकार से कर सकते हो। और दोस्तों अब मेन बात आती है, इसके अंदर हम पोस्ट के साथ इसके अंदर लिंक को कैसे ऐड कर सकते हो। लिंक को दोस्तों ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल से आपको यहाँ से एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, लिंक का ही ऑप्शन है, देख सकते हो आपके सामने। सिंपल सा इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपको डिस्प्ले पर कौन सा नाम शो करना चाहते हो, तो यहाँ से मैं यहाँ से डाउनलोड लिखूँगा, ठीक है, डाउनलोड यहाँ से लिखूँगा। और यहाँ से आपको लिंक को पेस्ट कर लेना। जैसा कि दोस्तों अभी यहाँ से मैं कोई भी एक लिंक को ले लेता हूँ, यहाँ से वी ये वाला मेरा जो वेबसाइट का लिंक है तो मैंने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से इसको इस प्रकार से राइट कर देना, अप्लाई कर देना, ठीक है। तो यहाँ से डाउनलोड जैसे ही डाउनलोड के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ से, सॉरी दोस्तों ये डाउनलोड का ऑप्शन हट गया, कोई बात नहीं, हम फिर से भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। डाउनलोड है, डाउनलोड नाउ, ठीक है। यहाँ से मैं लिंक को यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ से लिंक को पेस्ट कर देता हूँ आपके सामने, ठीक है। और उसके बाद से इसको राइट कर अप्लाई कर दूँगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से अगर कोई आपको दोस्तों इमेज इसके अंदर ऐड करनी है, इमेज को किस प्रकार से ऐड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ से मैं सबसे नीचे आ जाता हूँ और यहाँ से मैं कोई डाउनलोड का बटन है, डाउनलोड के एरो वगैरह कुछ ऐड करना चाहता हूँ, तो दोस्तों इमेज को ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल सा आपको यहाँ से फोटो का ऑप्शन है, सिंपल सा इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पर क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों, तो आपका जो कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको स्विज फाइल का ऑप्शन भी यहाँ से क्लिक कर लेना, स्विज फाइल का ऑप्शन है, ठीक है। इस पर दोस्तों जैसे ही क्लिक करते हो तो दोस्तों आपको फाइल के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। फाइल के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों, आपका जो भी फॉर्म के अंदर जो भी वीडियो वगैरह फोटो वगैरह सब कुछ होंगे वो यहाँ से देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ से मैं अभी डाउनलोड का एक बटन इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं डाउनलोड का बटन यहाँ से ले लूँगा। आप गूगल से भी बहुत सारे डाउनलोड के बटन यहाँ से ले सकते हो, जो मेरे पास है अगर चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, तो लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने डाउनलोड का बटन लगा दिया, ठीक है। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा, सिलेक्ट के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ से डाउनलोड का बटन लग जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों इस डाउनलोड के बटन के अंदर आपको लिंक लगानी, क्या करेगा लिंक लगाने के लिए, सिंपल सा डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर लेना है और ऊपर से आपको यहाँ से इस प्रकार से इसके अंदर चले जाना, लिंक का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से मैं बता दूँ, यहाँ से इस पर क्लिक, सबसे पहले आपको दोस्तों डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तभी जाकर वो ऑप्शन है वो ऑन होगा। सिंपल से इस पर क्लिक कर लेना, इस पर जो भी यहाँ से इसको कट कर देना, ठीक है, कट कर देना। और यहाँ से मैं एक लिंक को ऐड करूँगा, यहाँ से ये वाला लिंक ऐड कर दिया और ओपन इस पर क्लिक कर लेना, ठीक है, इस पर क्लिक कर लेना। फिर आपको अप्लाई कर देना, ठीक है। अप्लाई करोगे तो दोस्तों इसके अंदर लिंक लग जाएगा, तो यहाँ से मैं इसको बैक आ जाऊँगा, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाए। दोस्तों मैं नॉर्मल तरीका ही बता रहा हूँ, अगर आप और भी प्रोफेशनल लेवल से आप बढ़ाना, मतलब कि इसके अंदर आर्टिकल लिखना चाहे तो लिख सकते हो, ठीक है। मैं तो अभी ऐसे बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको लिखना है, वो तरीका बता रहा हूँ जो ऑप्शन इसको यूज़ करने का तरीका। और दोस्तों उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको वीडियो अगर आपको ऐड करना चाहे तो वीडियो भी ऐड कर सकते हो, फोटो ऐड किया उसी तरीके से। और यहाँ से आपको कुछ इस प्रकार से इमोजीज वगैरह देखने को मिल जाएगी, अगर आप दोस्तों आर्टिकल के अंदर इमोजी वगैरह आप ऐड करना चाहते। जस्ट उसके बाद दोस्तों आपको नीचे जाना है और इसके अंदर जो ये जो लाइन है उसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। अगर दोस्तों आपको कोई भी आर्टिकल 20 में लिखना है तो इस वाली लाइन पर क्लिक कर सकते हो। अगर आपको इधर से उधर करना, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, राइट एंगल है, लेफ्ट एंगल है, उस पर क्लिक करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हो। जैसा कि अभी मैं लेफ्ट एंगल पर क्लिक करूँगा और दोस्तों यहाँ से मैं कुछ भी यहाँ से पेस्ट कर दूँगा, जैसा कि अभी यहाँ से मैं हैशटैग ही पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने हैशटैग पेस्ट कर दिया, देख सकते हो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से मैं इस प्रकार से कर दूँगा। और इसके बाद से दोस्तों अगर आप और भी इसके अंदर कुछ ऐड करना चाहते हैं, मतलब कि इस लेफ्ट एंड इसके अंदर लेफ्ट एंगल सही नहीं है, तो आपको ऐसे राइट कर सकते हो अगर करना चाहते तो, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से यही वही तरीका, ठीक है, इस प्रकार से जो अगर इसको यूज़ करना चाहे तो कर सकते हो। इस प्रकार से दोस्तों आप इसको तो यूज़ कर पाओगे, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से क्या करना है, और उसके बाद इसका भी कोई इतना कोई खास नहीं है। और उसके बाद से नीचे आपको डॉट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से डॉट के अंदर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से मैं सबसे पहले इसको यहाँ से कर दूंगा और यहाँ से मैं इसको मैं यहाँ से इस प्रकार से इसको सेंटर अगेन पर क्लिक करूँगा ताकि सही से ऐड हो सके। उसके बाद दोस्तों यहाँ से एक डॉट का आइकन देखने को मिल जाएगा, यस डॉट का है कुछ इस प्रकार से, सिंपल सा इस पर क्लिक कर लेना। इस पर जैसे दोस्तों जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ से कोई भी मैं ऐसे आर्टिकल वगैरह वो पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ से ये वाला, ठीक है, ये वाला मैंने पेस्ट कर दिया, कॉम्प्लीट हो गया। उसके बाद नीचे और आप ऐड करना चाहे तो कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ से कुछ और यहाँ से
ये वाला यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ से अगर ये आपको सही बैठ नहीं रहा है तो आपको क्या करना है, इसको इस पर क्लिक करना और लेफ्ट एंगल कर लेना। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ से फिर से इस पर कॉम्प्लीट हो गया, ठीक है। और यहाँ से फिर से नीचे आप स्पेस दोगे, मतलब कि एंटर दोगे तो इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो आप दोस्तों आप समझ गए होंगे लेफ्ट एंगल और राइट एंगल, ठीक है। इस प्रकार से कर देना इसको यहाँ से, फिर आपको यहाँ से नीचे आ जाना है। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से एक दो तीन लाइन दिखने को मिल जाए, इस पर क्लिक कर लेना। इस पर जैसे ही क्लिक करते हुए दोस्तों इसके अंदर आपको यहाँ से बहुत सारे कॉम्प्लीट हो गया, मैं ये कर देंगा। और उसके बाद फिर से एंटर दबाऊंगा तो दो नंबर इसके अंदर ऐड हो जाएगा आईफोन कैसे, ठीक है। ये वाला मैं 5 से 6 तक कर सकता हूँ, इसके अंदर आप जितना चाहे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार से कर सकते हो, जैसा कि अभी देख सकते हो आपके सामने। और इसको और भी करना चाहे तो कर सकते हो, इसको नहीं तो इसको बंद करना चाहे तो इस पर क्लिक कर लेना, नहीं तो यहाँ से आगे वाला एरो देख सकते हो, इससे दो बिंदी देखने को मिल जाएगी ये वाली। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दोस्तों देख सकते हो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, यहाँ से और ये आ चुका है, कोई बात नहीं। यहाँ से इसको मैं, इसका मतलब क्या मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इस पर क्लिक कर लेना, यहाँ से ये हो गया, ठीक है। और इसके अंदर से आप इसको ऐड करोगे तो ये, तो मतलब कि छोटा हो जाएगा ये, देख सो इस प्रकार से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से इसको इस प्रकार से वापस से ला लेना है, ये पूरा पूरा अगर ऐसा करोगे ये पूरा का पूरा छोटा हो जाएगा। आपको इसके अंदर अच्छे से दिखने, आपको अच्छे से दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको सबसे पहले आपको सेव कर देना, ठीक है। यहाँ से सेव पे क्लिक करके इसको सेव कर देना है और यहाँ से इतना पोस्ट कर देना, ठीक है। इतना पोस्ट करने के बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना और फिर से इसको यहाँ से मिनिमाइज़ करना होगा, ठीक है। मिनिमाइज़ करते क्योंकि अभी मेरा पोस्ट काफ़ी बड़ा हो चुका था, इसके लिए मैंने सही से एडिट नहीं किया, ठीक है। फिर से मैं इस पर जाता हूँ, ठीक है। और दोस्तों ये पोस्ट कुछ इस प्रकार से एडिट हो गया है। और फिर भी अगर कुछ गड़बड़ हो तो सबसे पहले आप ऊपर से जो भी ऑप्शन जो भी लिखोगे वो यहाँ से ऊपर से इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसको सेव कर देना, ताकि इसके अंदर ताकि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से नीचे एक लाइन देखने को मिल रही है, लाइन जैसे लाइन क्या है, लाइन दोस्तों इसके अंदर देख सकते हो, लाइन अगर लगाना चाहे तो लगा सकते हो कुछ इस प्रकार से, जो भी आप जहाँ पर भी लगाना चाहते हो लगा सकते हो। इस प्रकार से लाइन लगाओगे तो और भी अट्रैक्टिव दिखेगा, जैसा कि अभी देख सकते हो अभी सामने में और लाइन लगाता हूँ, अट्रैक्टिव दिखेगा, सही से दिखेगा और अलग अलग दिखेगा, ठीक है। यहाँ से मैं बेस्ट फोटो इस पर क्लिक करके यहाँ से लाइन लगा लेता हूँ तो ये अच्छा दिखेगा। और दोस्तों यहाँ से और इसके अंदर से लैंग्वेज वगैरह ऐड करना चाह, मतलब कि लैंग्वेज अलग अलग प्रकार से है उसे, और देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आप ऐड करना चाहे तो कर सकते हो। दोस्तों आप तो इस प्रकार से इसके अंदर सबसे पहले तो लगा सकते हो, अगर दोस्तों डेस्कटॉप पर लगाते हो, मतलब कि यहाँ से डेस्कटॉप यूज़ करते हो इसका जो डेस्कटॉप है, तो अच्छा खासा इसके अंदर और भी अच्छा दिखेगा, ठीक है। मैं तो ये नॉर्मल फ़ोन के अंदर कैसे आप इसके अंदर पोस्ट कर सकते हो वो सब कुछ बताया। और इसके अंदर आप हैशटैग कैसे ऐड कर सकते हो, हैशटैग ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको दोस्तों, इसके अंदर लेबल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, लेबल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये वाला दोस्तों होता है इसके अंदर हैशटैग, इसके अंदर 4 से 5 हैशटैग लगा सकते हो, जैसे कि भाई ये ब्लॉगर पर पोस्ट कैसे करें, मैं ऐसे ब्लॉगर लिख लूँगा और इसके अंदर इस प्रकार से कॉमा दे देना, कॉमा दे देना। उसके बाद यहाँ से कुछ भी यहाँ से लिख लिखते, यहाँ से कोई कुछ भी यहाँ से लिख सकते हो, कॉमा देना। उसके बाद सेव, मतलब कि पब्लिक के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से कन्फर्म कर लेना, ठीक है। कंफर्म तो जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों जो आपका आर्टिकल है वो यहाँ से लिख जाएगा। और जैसा कि अभी आपके सामने में इसको ऐसे शेयर का आइकन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर लेता हूँ और ऐसे कॉपी कर दूंगा, कॉपी कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों मैं ऐसे किसी को शेयर करना चाहता हूँ तो ऐसे शेयर व्हाट्सएप पर क्लिक करके मैं ऐसे शेयर कर सकता हूँ। जैसा कि अभी यहाँ से मैं अपना जी प्रोफाइल है इस पर जैसे क्लिक करूँगा तो ऐसे शेयर कर दूँगा, ठीक है। ऐसे जो आर्टिकल है वो यहाँ से शेयर हो चुका है। और दोस्तों जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से जैसे इस आर्टिकल का लुक किस प्रकार से देखने को मिलता है वो आपको मैं बताता हूँ। लुक कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा दोस्तों, काफ़ी गजब का लुक देखने को मिल जाएगा। जैसे आप जितना अच्छा मेहनत करोगे, जितना अच्छा लुकोगे इतना ही अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से जो लेबल का मैंने बोला था, यहाँ से टैग्स आ चुका है और यहाँ से देखते तो काफ़ी मस्त बन चुका है पोस्ट। मैंने इतना अच्छा से मेहनत भी नहीं किया, क्योंकि एक पोस्ट के अंदर 1.5 घंटा या 1 घंटा या आधा घंटा देंगे तो तब जाकर अच्छा से एक पोस्ट बनेगा। मैंने तो अभी कॉपी पेस्ट ही किया, ज़्यादा कुछ इतना लिखा नहीं है, ठीक है। और दोस्तों मैंने जो लिंक लगाया तो वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और आप यहाँ से लिंक का, मतलब जो डाउनलोड 9 का ऑप्शन था उसके अंदर आप कलर चेंज कर देना, ताकि लोग देख सके कि इसके अंदर लिंक है। तो यहाँ से आपको क्या करना, डाउनलोड के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हो तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हो ये एक मैं दूसरी वेबसाइट के ऑप्शन पर आ चुका हूँ। जैसा कि अभी आपके सामने देख सकते हो ये भाई का वेबसाइट है, देख सकते हो आपके सामने इसने पोस्ट किया हुआ है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से पोस्ट काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है भाई ने, अभी ने पूरा
टाइटल के अंदर ये सब कुछ लिखा, इस कारण से ये इस प्रकार से दिख रहा है। तो भाई मैंने वीडियो बना लिया आपके लिए, तो आप इस प्रकार से वीडियो बनाओ, मतलब कि आप इस प्रकार से आर्टिकल लिखोगे तो आपको अच्छा खासा ऐसे रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि आप इस प्रकार से आप वेबसाइट से लिंक को ऐड कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, इधर से उधर ट्रैफिक को ले जा सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर इतना था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर लेना, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो आपको सबसे पहले मिलते रहेगी।